हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टिन्नू आनंद सर की डायरेक्टर करियर के बारे में। दोस्तों, टिन्नू आनंद सर ने अपनी डायरेक्टर करियर की शुरुआत साल 1979 में आई फिल्म दुनिया मेरी जेब में से करी थी। और दोस्तों, फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे शशि कपूर, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। फिल्म की लागत थी दोस्तों 1,50,00,000 की और इसने अपने भारत से कमाई करी थी 3 करोड़ की और यह एक फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद टिन्नू सर की दूसरी फिल्म आई थी साल 1981 में कालिया। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, आशा पारेख और अमजद खान। और दोस्तों, इसकी लागत थी 2,50,00,000 की, अपने भारत से कमाई थी इसने 7,50,00,000। और दोस्तों, कलेक्शन के हिसाब से यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद 1984 में टिन्नू सर की फिल्म आई यह इश्क नहीं आसान। और दोस्तों, इस फिल्म में हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी, दीप्ति नावल और योगिता बेली। और दोस्तों, कलेक्शन के हिसाब से यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद 1988 में टिन्नू आनंद सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आई सहिंसा। और दोस्तों, इसके लीड कास्ट में नजर आए हमें अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी। और दोस्तों, बात कर इस फिल्म की लागत के बारे में तो इसे 3 करोड़ की लागत से बनाई गई और फिल्म ने अपने भारत से कमाई 6 करोड़ की, पूरी दुनिया भर से कमाई इसने 10 करोड़ की और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद 1989 में इनकी फिल्म आई मैं आजाद हूँ। फिल्म के मुख्य भूमिका में नजर आए हमें अमिताभ बच्चन और शबाना आजमी। और दोस्तों, इस फिल्म ने कमाई थी अपने भारत से 1,25,00,000 की और यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, इसी साल ही टिन्नू सर की फिल्म आई थी शनाख्त। और दोस्तों, इस फिल्म के लीड कास्ट में थे अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को किसी कारणवश पर्दे पे रिलीज नहीं की गई थी। इसके बाद 1991 में टिन्नू आनंद सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आई थी जीना तेरी गली में। फिल्म के लीड कास्ट में नजर आए हमें सूरज और कविता कपूर। और दोस्तों, इस फिल्म की बजट, कलेक्शन और वर्डिक्ट की डाटा हमें नहीं मिल पाई है। इसके बाद 1996 में इनकी फिल्म आई मुट्ठी भर जमीन। और दोस्तों, इस फिल्म में थे कुमार गौरव, पूनम ढिल्लों और डैनी डेंग जोंपा। और आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म को किसी कारणवश रिलीज नहीं की गई थी। इसके बाद 1998 में इनकी डायरेक्ट की गई फिल्म आई मेजर साहब। दोस्तों, फिल्म में नजर आए थे हमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे। बात कर इस फिल्म के बजट के बारे में तो इसे 8,75,00,000 की बजट से बनाई गई और दोस्त इसने अपने भारत से कमाई 13,10,00,000 की, वही दुनिया भर से कमाई इसने 20,01,00,000 और यह एक सेम हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद 2003 में आई थी एक हिंदुस्तानी। फिल्म में नजर आए हमें सुनील शेट्टी और रवीना टंडन। फिल्म की बजट थी दोस्तों 3,75,00,000 की, अपने भारत से कमाई इसने 1,05,00,000, वही दुनिया भर से कमाई थी इसने 1,85,00,000 की और इसी के साथ ही यह डिजास्टर फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों, यह था टिन्नू आनंद सर की डायरेक्ट की गई अब तक की सभी फिल्मों की लिस्ट। दोस्तों, आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।